हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मेरे पास काफी सारे सवाल आ रहे हैं इस बारे में कि भाई मंडे की मार्केट कैसे रह सकती है, क्या मार्केट में गिरावट आएगी या फिर मार्केट में आएगा रिवर्सल, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट देख चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और ये सवाल किन लोगों की तरफ से आ रहे हैं? जनरली ये सवाल उन लोगों की तरफ से आता है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना रखी होती है, जैसे कि ये भाई है, इन्होंने ऑलरेडी एक पोजीशन बना रखी है। इन्होंने क्या किया, दिन के आखिर में मार्केट बंद होने से पहले कुछ पोजीशन बना ली। कहां पे बनाई इन्होंने पोजीशन? ये पोजीशन है इनकी बैंक निफ्टी के अंदर 39,800 की इन्होंने पुट खरीद रखी है और क्वांटिटी इनकी 250। तो भाई जब आपके पास थोड़ी सी हैवी क्वांटिटी हो जाती है और आप अपने ट्रेड को होल्ड कर लेते हो अगले दिन के लिए, तो वहां पे थोड़ी सी बेचैनी होने लग जाती है कि भाई मार्केट में कल क्या होगा, मार्केट खुलेगी कहीं ऐसा तो नहीं मुझे नुकसान हो जाएगा, या मार्केट खुलेगी क्या मेरा जैकपॉट लगेगा, क्या मेरा नुकसान रिकवर होगा। तो भाई थोड़ा सा ट्रेड साइकोलॉजी के बारे में भी बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए इन भाई ने क्या कर रखा है, इन भाई ने ऑलरेडी एक नुकसान किया इंट्राडे के अंदर 52,000 रुपए का नुकसान किया। अब उस नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में इन्होंने ये पोजीशन बनाई है कि अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आ जाता है मंडे को तो एक ही झटके में जो मेरा फ्राइडे वाला नुकसान है वो रिकवर हो जाए। और इस तरह के ट्रेड्स बहुत सारे ट्रेडर लेते हैं, और मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि ज्यादातर उन ट्रेडर्स का इस तरह के ट्रेड्स में पैसा नहीं बनता, वहां पे नुकसान जो अगले दिन और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे भाई कभी भी नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में अनशन ट्रेड नहीं लेना, जब तक आपके पास कोई लॉजिक ना हो, जब तक आपके पास कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसा ना हो जहां पे आपका छोटा सा नुकसान होगा और बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है जो कि आपके नुकसान को रिकवर कर सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। और ये गलती सिर्फ और सिर्फ इन भाई ने नहीं कर रखी, बहुत सारे और भी ट्रेडर्स हैं। मैं डेली देखता हूं, सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आते हैं जहां पे मेरे को देखने को मिलता है कि भाई एक ट्रेड ऐसा ले लिया जिसके चलने के, ऐसा नहीं कि चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड इसलिए लिया गया क्योंकि नुकसान हो गया, उसकी भरपाई की जा सकती है। या फिर यहां पे देखिए इस तरह के भी ट्रेड लिए जाते हैं, ये कोई बीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेडर नहीं है। इन्होंने एक पोजीशन बनाई 73 के भाव पे, ये पोजीशन जो थी ये इंट्राडे के लिए थी, इंट्राडे में इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना था, प्रॉफिट लेके बाहर निकलना था, पर वहां पे इनको नुकसान होने लग गया। अब इन्होंने क्या किया, 8 लॉट के अंदर ट्रेड ले रखा था, 75 के भाव पे इन्होंने खरीदा, अब भाव हो गया 55, अब ये 20 रुपए का नुकसान नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान रिकवर हो जाएगा, मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेता हूं, मार्केट ऊपर जाएगी, निफ्टी की कॉल का भाव बढ़ेगा और मैं कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर लूंगा। और इन वाले केसेस में भी क्या होता है, जनरली नुकसान जो है बढ़ जाता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि ये वाली जो चीज है ये 100 तक नहीं पहुंच सकती या 150 तक नहीं पहुंच सकती, मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, पर ये ट्रेडर जो है ये वहां तक वेट नहीं करेंगे। 55 रुपए का भाव आ चुका है, अगर मार्केट ऊपर भी खुलती है सोमवार के दिन इनका भाव 75 तक आते ये एग्जिट कर जाएंगे और दिन के आखिर में ये देखने को मिलेगा इसी का भाव 200 हो गया। तो वहां पे इन ट्रेडर्स का पैसा नहीं बन पाता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान को रिकवर करना चाहते हैं। या तो ये नुकसान बड़ा होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कॉस्ट तक पहुंचते ये अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे और बाद में इसमें जैकपॉट लगेगा, तब भी गाइस ये नुकसान का ही सौदा है। तो मेरे भाई कभी भी ये चीज नहीं करनी कि आपने अपनी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में बनाई है, उसके पीछे कोई आपका लॉजिक नहीं है, कोई आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है, कोई आपको मैनेज नहीं करना आता। तो गाइस यहां पे देखिए इन भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इन्होंने क्या किया, एक ट्रेड लिया और उसको होल्ड कर लिया। मैंने इनसे पूछा भी कि भाई इसको होल्ड क्यों किया, क्या आपने फ्रेश पोजीशन बनाई है, क्या आप कोई बीटीएस की ट्रेड लेना चाहते थे, क्या कोई लॉजिक है इसके पीछे? तो इन्होंने क्लियरली यहां पे नीचे लिखा, यहां पे देखिए यहां पे ये बता भी रहे हैं कि लॉस में आ गया था इसलिए अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिया। तो यही कर रहे हैं अधिकतर ट्रेडर, नुकसान में आने के बाद अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और बाद में वो नुकसान जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। इन्होंने एक ट्रेड लिया, कॉल खरीदी, किस भाव पे खरीदी, 285 के भाव पे, अब उसका भाव कहां पे आ गया, 242 पे आ गया, तो ये एग्जिट ही नहीं करना चाहते। अगर भाई एग्जिट नहीं करोगे, ये 2,000 रुपए का जो आपका नुकसान है ना, ये 2-3 दिन के अंदर बढ़ के ये 20,000 का हो जाएगा, फिर आपको रिग्रेट होगा कि भाई मैंने उस टाइम पे एग्जिट क्यों नहीं किया, क्यों मैंने 2,000 का नुकसान नहीं लिया, क्यों मैंने इसके बढ़ने का वेट किया, राइट। हालांकि गाइस मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर फिर से मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर ये ट्रेड आपका प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा, अगर इसका भाव 400 तक भी जाना है, 500 तक भी जाना है, 800 तक भी जाना है, आप वहां पे वेट नहीं करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा 285 जो आपकी कॉस्ट है वहीं पे आते ही आपका मनोबल जो है दम तोड़ देगा और वहीं पे आप कॉस्ट पे एग्जिट कर लोगे, उसके बाद ये ट्रेड चलेगा। और यही होता है नए ट्रेडर्स के साथ गाइस, जिन जिन के साथ ऐसा होता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मैं कुछ इसमें गलत बोल रहा हूं, क्या मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। तो गाइस ये सभी का एक्सपीरियंस रहता है, जितने भी नए ट्रेडर हैं उनका भी, और जितने भी लोग आज के टाइम पे सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी इनिशियली इस तरह से काम किया है। पर अपनी गलतियां भाई सुधार लो, या फिर दूसरों की गलतियां जो है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं कि क्या गलती है जो नहीं करनी मार्केट में, उनसे सीख लो अगर आप बड़े नुकसान से बचना चाहते हो तो।